हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद PSE 1 यानी प्रिलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स करने हैं, जिसकी लिस्ट के अंदर एक हमारा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमें करना है डिस्कशन अबाउट वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स। ग्रुप डिस्कशन करना है हमें इसके अंदर, और ये डिस्कशन हमारा PSE 2 के अराउंड ही, सॉरी PSE 1 के अराउंड ही होगा। इस डिस्कशन के अंदर जो भी आपका ग्रुप है, एक ग्रुप बनाकर आपको डिस्कशन करना है, आपको उनके बारे में पढ़नी है सारी चीज़ें, उसके बाद आपको एक डिस्कशन करना है उसके लिए। ग्रुप डिस्कशन अबाउट थिंकर्स, सबसे पहले इसमें आएंगे इंडियन थिंकर और एक आएंगे हमारे वेस्टर्न थिंकर। इंडियन थिंकर हम ले लेते हैं महात्मा गांधी को। इनका सबसे पहले हम, जैसा कि हम अपना अपना वर्क बांट लेंगे इसके अंदर, कि हमें जीवन परिचय किसको देना चाहिए, मतलब लिस्ट बन जाएगी एक हमारी उसके हिसाब से, कि जीवन परिचय कौन पढ़ेगा, या फिर उनका जो शिक्षा दर्शन है वो कौन पढ़ेगा, या उनके जीवन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है शिक्षा को लेके वो कौन पढ़ेगा, मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग आपस में बांट लेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी, इंडियन थिंकर। इनका जीवन परिचय, जीवन परिचय के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। महात्मा गांधी की जीवन दृष्टि के बारे में लिखेंगे, मतलब जो जो आपको इसके अंदर डाटा अलग अलग तरीके से मिलता रहेगा, जहाँ से भी आप सर्च कर रहे हैं वो डाटा आपका सही होना चाहिए इनके बारे में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जीवन दृष्टि के बाद आपको इसके अंदर इनका सत्य, मतलब इनके जीवन का सत्य का क्या था, जैसा कि इसमें लिखा है, गांधी जी ने सत्य को अपनी अवस्था के मूल केंद्र में बताते हुए कहा, मेरे लिए सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है, जिसमें अनेक अन्य सिद्धांत भी अंतर्भूत हो जाते हैं। यह सत्यवाणी की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता है। मतलब बेसिकली आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो। इसके अंदर इन्होंने अपने जीवन का सत्य बताया, और जिस चीज़ के लिए, मतलब ये रियलिज्म को एक तरीके से फॉलो करते थे, जो रियलिटी है। वैसे तो ये आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, आदर्शवादी थे, भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन जो जीवन का सत्य है उसमें भी ये मानते थे। आगे, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा को एक तरीके से फॉलो करते थे, कि हिंसा ना हो, अहिंसा के मार्ग पर ही चले लोग। तो अहिंसा के बारे में थोड़ा सा डाटा आपको देना होगा इसके अंदर। देन आपको देना होगा शिक्षा दर्शन। अब इनका शिक्षा दर्शन में बेसिकली आप अपने प्रैक्टिकल के ज़रिए ये कर रहे हैं, और आपको इसके अंदर क्या लिखना है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन। बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर, जो आपको ऐड करनी है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या था, उनका शिक्षा दर्शन क्या क्या बातें लिखी, ये चीज़ आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। शिक्षा से क्या अभिप्राय था, इनके हिसाब से महात्मा गांधी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठतम शक्तियों का अधिकतम विकास है। उसके बारे में डिस्कशन करते हुए आपको एक वीडियो बनानी होगी। वीडियो के अंदर क्या करना है आपको, सारी चीज़ें आपने, जैसा कि अलग अलग टॉपिक्स बांटे होंगे, तो अलग अलग तरीके से आप अपने अपने पॉइंट्स को रखेंगे सामने, और उसके बाद आपकी आपको एक वीडियो शूट करके इसके अंदर अपलोड करनी होगी। इस PPT के अंदर ऐड करके आप उसके ऊपर लिख देंगे डिस्कशन अबाउट महात्मा गांधी। देन आ जाते हैं हम रूसो, जीन जैक्स रूसो। ये है आपकी वेस्टर्न थिंकर। वेस्टर्न थिंकर के क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब जैसा कि आपने महात्मा गांधी के बारे में जो जो पॉइंट्स लिखे, उसी हिसाब से आप वेस्टर्न थिंकर यानी रूसो के बारे में भी वही पॉइंट्स लिखेंगे, कि उनका जीवन परिचय, उनके जीवन का क्या क्या एक तरीके से पहलू, किस जगह वो जन्म हुआ उनका, किस जगह वो रहते थे, कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लिखेंगे। तो इसमें जैसा कि आपने महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई थी, उसी तरीके से आप रूसो की फ़ोटो लगाएंगे। देन इनके बारे में आप स्टार्ट करेंगे, इन्होंने किस तरीके से इंडियों के विकास के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस चरण का प्रचार 5 से 10 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जागरूक होना शुरू कर देता है,
जो वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब ये सेंसेस पर ज़्यादा जोर देते थे, तो ये इनकी फिलॉसफी है। इनकी फिलॉसफी के हिसाब से ही हमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या फिलॉसफी है इनकी एजुकेशन को लेके। आगे लिखेंगे, सबसे पहले हमने देख लिया था इंद्रियों का विकास, मस्तिष्क का विकास देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे जैसा हमने महात्मा गांधी के अंदर डिस्कशन किया था उसी हिसाब से रूसो के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के बाद हमारी ये पीपीटी ख़त्म होगी।